कैसे जाते हो कि ये लोग वहाँ तक, आप सोच सकते हो यहाँ पे इनकी तो स्टोरी कवर करने के लिए हमको जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो देखो उधर पे वो बैठे हैं लैपटॉप लेके, लेकिन उनका जाने का जो रास्ता है दिखा, जरा दिखा, कहीं से भी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है उनको। बोलिए क्या एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं, पूरा काम नहीं, पूरा मट्टी भर गया है और रोड से इतना तकलीफ हो रहा है कि कोई ग्राहक नहीं आता दुकान पे सामान लेने के। जो पानी और जो कीचड़ है ये बारिश की वजह से है कि गटर का पानी? नहीं, गटर का पानी। रोड का तो ऐसा पूछो कि इतना भंगार हो गया है ना कि चलाने को मन, देख तो ट्रैफिक और रास्ता खराब, चलाने को अपने को जमता नहीं, मैं क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। तो रोज के कितने चक्कर मारते हो आप? अरे एक दो चक्कर मारते उतने में तो ऐसा फंस जाते आगे जा ही नहीं पाता है गाड़ी, दो दो चार चार घंटे वहीं पे जगह पे खड़े रहते हैं। दो चार घंटे जगह पे गाड़ी हिलता ही नहीं। रोज का हाल है, संडे चाहे मंडे रोज वही रहता है, कभी नहीं खाली रहता है। चलो आदमी अच्छे से चले जाए अच्छे जाए, गाड़ी का ऐसा हाल हो जाता है हफ्ते में 2-4 हज़ार का काम आ जाता है। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे खड़े पूर्णा में और ये सेकंड लेवल है, हम बोलेंगे सेकंड पड़ाव आया है और हालत देख सकते हो कि यहाँ पे हमको खड़े रहने को जगह नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, हम साइड में खड़े हैं और ट्रैफिक तो ऐसे भी रोज का रह रहा है। एक दिन हमारी तरफ से 5 मिनट लग गया तो क्या बुरा है? ये पब्लिक का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी इलेक्शन आएंगे तो हाँ सब आएंगे और सब गड्ढे भरवा के देंगे। गड्ढे भी अगर जब भरेंगे इलेक्शन के टाइम पे तो वो सब यही रहेंगे कि वोटिंग तक चले, वोटिंग के बाद में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ग्राम पंचायत क्या है, खाली मशीन लगा दी, टैंकर में पानी भर के ले जाते हैं तो मौसम खुला है तो ये आलम है, और बारिश आएगा तो पूरा एकदम समझ लीजिए कि जांग बराबर पानी हो जाता है। यही सब सारी समस्याएं हैं पूरा यहाँ से लेके आपके कालेर तक। वाकई में अनएक्सपेक्टेड है कि इस तरह के जो है लोग इग्नोरेंस कर रहे। देखो कितना गहरा गड्ढा है ये, और ऐसे पूरे रास्ते पे है, पूरा कशेली तक जो है यही हाल है, यही आलम है पूरा कशेली तक का। आगे TMC लगती है, TMC ने रोड अच्छा बनाया है, लेकिन जो ये ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे तो पूरा ही पूरा इग्नोरेंस है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ चाविंद्रा नासिक रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस का सभी का स्वागत है। आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वीडियो गेम खेला होगा। वीडियो गेम के अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं, पहला लेवल काफ़ी आसान होता है, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल्स हार्ड होते जाते हैं। तो वैसे ही आज हम आपको एक लाइव वीडियो गेम बताएंगे, एक लाइव एडवेंचर राइड पे लेके चलेंगे। हम यहाँ पे खड़े भिवंडी के अंजुर फाटा पे, मेरे राइट साइड में एक रास्ता जो है मानकोली के लिए जाता है और मेरे ठीक पीछे हॉली मेरी स्कूल जो कि रायनाल में पड़ती है। और ये अंजुर फाटा से लेके जो कशेली तक का जो रास्ता है वो इतना हॉरेबल है और इतना ट्रैफिक है, हम आपको लेके चलेंगे। एक्चुअली कल मैं यहाँ से गुजरा था और मैंने देखा क्या हालत है, तभी मैंने तय कर लिया था कि इस रोड की हालत जो है मैं आप तक के लेके जाऊँगा, और कोशिश अगर हमारी यही रहेगी कि ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या हालत है इस रोड की। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आए दिन जो है यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, आए दिन यहाँ पे गड्ढे जो है वो इतने भरे हुए, इतने डेढ़ फुट के जो है गड्ढे हैं उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि गड्ढे की डेप्थ क्या है। मोटरसाइकिल जो है अंदर चली जाती है, रिक्शा जो है पलट जाते हैं, कई तरह के जो है यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे हमारे मंत्री जी कपिल पाटिल साहब की यहाँ से जन आशीर्वाद रैली निकली थी, उसके बाद लोगों को लगा कि जब यहाँ से खासदार साहब गुजरेंगे तो ये रोड की हालत देखने के बाद में हो सकता है कि कुछ रोड का सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ मेट्रो का काम चालू है, दूसरी तरफ ये हालत है कि बारिश में भी इतना पानी भरा हुआ है और रोड की जो हालत है, वाकई में यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर है। तो आइए देखते हैं क्या हाल है अंजुर फाटा से लेके कशेली रास्ते तक का। Thank you.
अब काय बघाना काय हालत आहे इथली, कसे गाड्या चालवायचे आम्ही लोकांनी? तुमचे किती फेरे होते? अहो कसले फेरे होता, एक फेरा कसा नको होते आम्हा लोकांना, एवढे रस्ते खराब झाला या अहो, गाड्यांचे पाटे तुटतात, मेंटेनन्स किती वाढलं याच्या मुलं, बाकी ट्रॅफिक लागली आहे गाडी आ रही है देख दोस्तों देखो। हाँ मेरे को ले दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पे खड़े पूर्णा में और ये सेकंड लेवल है, हम बोलेंगे सेकंड पड़ाव आया है और हालत देख सकते हो कि यहाँ पे हमको खड़े रहने को जगह नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, हम साइड में खड़े हैं और ट्रैफिक तो ऐसे भी रोज़ का रहता है, एक दिन हमारी तरफ से 5 मिनट लग गया तो क्या बुरा है, वो देखो बेचारे वो परेशान है। थोड़ा आवाज़ तो जोर से चिल्ला जरा, देखो जरा ये कैसे जाते हैं कि ये लोग वहाँ तक, आप सोच सकते हो यहाँ पे, इनकी तो स्टोरी कवर करने के लिए हमको जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो देखो उधर पे वो बैठे हैं लैपटॉप लेके, लेकिन उनका जाने का जो रास्ता है दिखा जरा जरा दिखा, कहीं से भी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है उनको। देखो बेचारे गाड़ियों, अरे क्या हालत है रोड की, जाओ जाओ पीछे ट्रैफिक के बाद में लेते। ये देखो ये यहाँ से एक तो लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, रॉन्ग साइड से आने का इसके लिए कारण है कि पीछे से उस तरफ भी पूरा जाम है, दोनों तरफ जाम है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देखो क्या हाल है यहाँ पे, मतलब लोग आदमी जान को बचाए कि अपने काम को बचाए, अपनी रोजी रोटी को देखे। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लोगों का तकरीबन रोज़ 4 से 5 घंटा जो है सिर्फ ट्रैफिक में ही ख़राब होता होगा। मैन पावर कितना वेस्ट होता है, मैन आवर कितने वेस्ट होते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। थोड़ा तो भी यहाँ पे मालूम, हम जानते हैं कि पानी भी किस तरह से आया, ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये पानी जो है यहाँ से गटर ओवरफ्लो होती है और वो पानी सारा यहाँ पे रोड पे आया है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे PWD को ध्यान देना चाहिए और लोगों के परेशानियों को दूर करनी चाहिए। इस तरह का अगर रोज़ का माहौल रहेगा, आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। देख आगे क्या हाल है, देखो किस तरह से लोग जा रहे हैं, बताइए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आगे चलो, आगे और हालत ख़राब है, दिखा आगे दिखा थोड़ा सा वहाँ पर, देखो वालेकुम अस्सलाम, देखो क्या हालत है वहाँ पे, हाँ देख क्या हालत है, देखो बोलिए बोलिए क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं, पूरा काम नहीं, पूरा मट्टी भर गया है और रोड से इतना तकलीफ होता है कि कोई गिराक नहीं आता, महीना महीना तक गिराक नहीं चल रहा है, जितना जब से बारिश हो रहा है तब से गिराक ही नहीं आता है, इतना कचरे में कोई गिराक ही नहीं आ रहा है, पूरा ये पूरा गटर जाम है, गटर का ना सफाई होता है ना कुछ होता है, इतना जाम हो रहा है, पानी इतना पूरा पानी भर जाता है। तो ये कई महीने से ये हाल है, कई महीने से 3-4 महीने से जो जब से बारिश हुआ तब से यही हालत है। आपका तो दिमाग अच्छा चलता होगा ना, गाड़ी ज्यादा खराब होती है, गाड़ी रोड ज्यादा खराब होता है, गिरा के नहीं आता है, मैं कीचड़ देख के पहुंचता ही नहीं बराबर, यहाँ पे आने के लिए एक्सेस ही नहीं है, आने के लिए एक्सेस ही नहीं है, अभी आप भी आए कितना घूम के आए, एक्सेस ही नहीं आने के लिए यहाँ पे, सही सही सही, कोई गिरा आता नहीं, देखता दुकान देखता लंबा चला जाता है, देख के दुकान देखता सामान लेने के लिए कोई सुविधा नहीं है आने के लिए, सही है आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं उसको आने के लिए यहाँ पे आने के। तो आपने किसी की इससे शिकायत की थी क्या यहाँ पे? बहुत जन से शिकायत की, लेकिन शिकायत बोलते ऊपर बोलो किसको बोलेंगे, ऊपर आप सबको बोलते हमको नहीं मालूम तुमको नहीं मालूम, आते दो तीन नियम से आए थे, आगे देखे गए कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ऐसे चल रहा है बस, आया कोई ग्राहक आया तो आ रहा है, नहीं आता आया तो यहाँ सामान फेंको, वहाँ से सामान ले पैसा फेंको, ऐसा हो रहा है। दोस्तों फिलहाल हम खड़े हैं पूर्णा के गेट के ऊपर, जो पूर्णा ग्राम पंचायत है, तो ये यहाँ से उसकी एंट्री है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रास्ता है, जैसे कि हमने बताया कि ये दूसरा पड़ाव है हमारा, ये सेकंड फेज है, ये दूसरा लेवल हमारा पार हो गया है और आपने देखा कि कितनी मुशक्क़तों के बाद में जो है हम यहाँ पे पहुँचे, पूरा चल के आए हम लोग रानाल से लेके यहाँ तक का, और एक एक खड्डा हमने नापा है इस रोड का। और यहाँ पे एक बात हमें देखने के लिए खास मिल रही है कि ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये कॉन्क्रीट का बना हुआ है जो गाँव के लिए रोड जाता है, डेफिनेटली ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, ये जो रास्ता है ये कॉन्क्रीट का है। वहीं पे अगर हम लोग ये रोड को देखेंगे तो जो PWD के अंडर में आता है,
तो इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम बात करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे मेट्रो का काम चालू है, मेट्रो प्रोजेक्ट चालू है, लेकिन उसके साथ साथ में आदमी क्या खाना पीना छोड़ देता है क्या, ये बताइए। तो ये जो डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ है, तो ये भी चलती रहनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको भरनी करके, थोड़ा बहुत जो है इनको प्रॉपरली करके लोगों को कम से कम इतनी तो सुविधा दी जाए कि वो ठीक से आ जा सके। तो यहाँ पे देखिए ये हाल है यहाँ पे। तो हम आगे यहाँ पे किसी से बात करेंगे, कोई बात करेंगे क्या हमारे से? कितने साल से चला रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से चलाता है इसी रोड पे। इसी रोड पे तो क्या हाल है रोड के? रोड का तो ऐसा पूछो कि इतना भंगार हो गया है ना कि चलाने को मन देख तो ट्रैफिक और रास्ता खराब। हाँ। चलाने को अपने को जमता नहीं, मैं क्या कर, मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। तो रोज के कितने चक्कर मारते हो आप? अरे एक दो चक्कर मारते, उतने में तो ऐसा फंस जाते हैं आगे जा ही नहीं पाता है गाड़ी। दो दो चार चार घंटे वहीं पे जगह पे खड़े रहते हैं। दो दो चार चार घंटे जगह पे गाड़ी हिलता ही नहीं। रोज का ये हाल? रोज का हाल है, संडे चाहे मंडे रोज वही रहता है। अच्छा। कभी नहीं खाली रहता है, चलो आदमी अच्छे से चले जाए अच्छे जाए, गाड़ी का ऐसा हाल हो जाता है हफ्ते में 2-4 हज़ार का काम आ जाता है। मतलब गाड़ी का काम रेगुलर निकलता है? रेगुलर ही निकलता है। इतना गड्ढे, इधर जाओ तो ऐसा ना हो जाए पलट ना जाए, सवारी लेके गिर ना जाए, इतना रोड खराब हो गया है। तो इससे कुछ हेल्थ वगैरह पे भी, पीठ का दर्द वगैरह ऐसा भी कुछ? अरे पूरा हम लोग का शरीर का ऐसा लग जाता है रोज दवा खा के सोना पड़ता है। 4 घंटे गाड़ी चलाते ऐसा लगता है सलाह जना 2-3 दिन चला ही रहा हूँ, 4 घंटे में। आप लोगों की एसोसिएशन वगैरह है क्या ऑटो की? एसोसिएशन यहाँ नहीं है, आगे कालेर पे अंजूर फाटा है। तो कुछ इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ इस तरह से आंदोलन वगैरह या रास्ता बनाया? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं किया। वो टोल टैक्स करना चाहिए मगर सब एकजुट नहीं होते ना। अच्छा, एकजुट नहीं हो पाते टोल टैक्स पे। वो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। नहीं सुनवाई हो पा रहा, टोल वाले तो टोल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो टोल वाले है वो सिर्फ ब्रिज के लिए है। गाड़ी लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं ना। टोल टैक्स से तो देते ही ना सब लोग, हम लोग नया रिक्शा लेते हैं। आप कुछ बोलेंगे क्या? कहा आप रहने को किधर है? कालेर में रहते हैं। क्या रोड के बारे में कुछ बोलेंगे? रोड तो बहुत ही खराब है, वो तो सब जानते हैं इसे। हाँ। जाने में बहुत तकलीफ होता है और बहुत ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक बहुत रहता है, बहुत रहता है। तो ये आपका दिन भर यहाँ पे कितने चक्कर होते हैं? अरे कम से कम 3-4 चक्कर तो हो जाते हैं। तुम्हें इतलेस का और यहाँ ना हो आओ या गावा सा कोणी तरी बोला अहो ते लोकांकडे वेळ कुठे आहेत? ते लोकांकडे वेळ कुठे आहेत ते सांगा मला। हा तेच आम्हाला दाखवायचं आहे, तेच आम्हाला दाखवायचं आहे ना। या अहो काहीतरी बोला तुम्ही। रैनल गाव। क्या नाम आपका? विनोद भदौरिया। विनोद साहब थोड़ा सा बताएंगे रस्ते के बारे में, क्योंकि आप गाँव के ही है, तो ये रस्ते की हालत कब से है और क्या तकलीफें आती है आपको? अभी आप खुद ही देख रहे हैं पब्लिक को कितना तकलीफ है, आने जाने छोटे बच्चे हैं, इतने खड्डे पड़ गए। अभी जब से MMRDC ने लिया है प्रोजेक्ट जी, जब से एफकोन वाले का जो काम चालू है। हाँ। ना तो MMRDC ध्यान दे रहा है ना एफकोन वाले ध्यान दे रहे हैं। पुलिस व्यवहार करते, ट्रैफिक वाले भी कंट्रोल करते, मगर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा। ठीक है, कसली टोलना का वैसे चालू है। हाँ। वो भी रोड उनका अंडर में है, वो भी नहीं बनाते हैं। नहीं, कसली टोलना के अंडर में तो सिर्फ ब्रिज आता है बोलते हैं लोग, ये रोड नहीं आता है। नहीं नहीं, वो सब पत्र उनके ही अंडर में आता है। जब भी गाड़ी यहाँ से जाता टोल तो लेते हैं बराबर, तो ब्रिज कौन सा आता है? ब्रिज तो जमाना हो गया बन गया। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक को तकलीफ है। और एक्चुअली ये जो काम है ये एफकोन कंपनी जो MMRDC ने दी है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ मेट्रो का काम वो उन्होंने करना चाहिए। अच्छा। ऐसा ये तो अपना चल रहा है यहाँ पे जो खड्डे हुए, तो इसके बारे में कुछ PWD से या तो फिर कुछ आमदार खासदार से आप लोगों की कुछ चर्चा? देखिए आमदार बन शिवसेना के हैं। हाँ। खासदार मंत्री हो गए हैं। हाँ। बराबर, तो राजकरण इसमें जो है ऊपर के लेवल में दिखता नहीं क्या उनको? अभी जन यात्रा निकला था माननीय मंत्री साहब का, और हमारे आमदार भी और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब काफ़ी जाके गए। तो इसमें राजकरण मतलब ये उनका काम है। हाँ। ये पब्लिक को तकलीफ क्यों देने का? सही बात। ठीक है, अभी पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं। हाँ। अभी राज्य मंत्री जो हैं कपिल जी पाटिल साहब हैं, मोरे साहब आमदार हैं ग्रामीण के। हाँ। तो उन्होंने करना चाहिए काम, तो वो भी तो आती है रोड से। हाँ। ये पब्लिक का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी इलेक्शन आएंगे तो हाँ सब आएंगे और सब गड्ढे भरवा के देंगे। लेकिन वो गड्ढे भी अगर जब भरेंगे इलेक्शन के टाइम पे तो वो सब यही रहेंगे कि वोटिंग तक चले, वोटिंग के बाद हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। रिजल्ट आ गया तो मालूम पड़ा गड्ढे भी गए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जब जन आशीर्वाद रैली निकली थी कपिल पाटिल साहब की, तो यहाँ पे वो यहीं से गुजरे थे और लोगों का ये कहना है कि क्या उन्हें ये गड्ढे नहीं नजर आए, क्या उन्हें ये रास्ता नहीं दिखा।
दोस्तों देखो ये जो गड्ढे हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं और इसमें जब एक ट्रक जाता है तो कितना छुक जाता है, किस तरह एक साइड जो है पूरा उनका लोड आ जाता है। काफ़ी हादसे जो है यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी यहाँ पे पता नहीं और कितने हादसे होने के इंतज़ार कर रही है प्रशासन। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जब एक ट्रक पास होता है, एक टेम्पो पास होता है तो पूरी तरह से जो है वो झुक जाता है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री जो है वो झुक जाता है। आप देख सकते हो कैमरे में कहाँ क्या हालत होती है यहाँ पर देखिए। और ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड है कि इस तरह के जो है लोग इग्नोरेंस कर रहे। देखो कितना गहरा गड्ढा है ये और ऐसे पूरे रास्ते पे है, पूरा कशेली तक जो है यही हाल है, यही आलम है पूरा कशेली तक का। आगे टीएमसी लगती है, टीएमसी ने रोड अच्छा बनाया है लेकिन जो ये ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे तो पूरा ही पूरा इग्नोरेंस है। दोस्तों हम पूर्णा से थोड़ा आगे आए और अब हम कोपर में है। कोपर का जो इलाका है यहाँ पे हमारे राइट में मंदिर है, शिव मंदिर, और यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कंक्रीट का रोड है लेकिन यहाँ पे जो पानी है, अगर आप देखोगे कि दोनों तरफ आपको रोड के पानी नज़र आ रहा है, दोनों तरफ पानी है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। अगर रोड अच्छा है तो यहाँ पर ये गटर की और पानी की तकलीफ़ है। गड्ढे तो है ही है लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों तरफ जो गटरे हैं वो भर चुकी है। और देखिए यहाँ पे कितना मलबा भी जो है मेरे पीछे निकला हुआ है। तो हमारे साथ में साहब है, आप थोड़ा सा बात करेंगे हमारे साथ में कि ये जो तकलीफ़ है पानी की ये कब से है? ये जल भराव की समस्या जो यहाँ पे है ये 5-6 महीने से रेगुलर चली आ रही है। रास्ताएँ पूरी डैमेज हो गई हैं, आदमी को आने जाने में दुर्घटना भी हो रही है, दिक्कतें बहुत सारी तो ये हैं। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है इसके लिए कुछ नहीं कर रही? ग्राम पंचायत क्या है, खाली मशीन लगा दी, टैंकर में पानी भर के ले जाते हैं तो मौसम खुला है तो ये आलम है। हाँ। और बारिश आएगा तो पूरा एकदम समझ लीजिए कि जांग बराबर पानी हो जाता है। जी, जी। यही सब सारी समस्याएं हैं पूरा यहाँ से लेके आपके कालेर तक। मतलब ये आपको कितनी तकलीफ होती है? अरे तकलीफ तो मत पूछिए, आदमी घंटों जाम में फंसे रहता है। अगर ड्यूटी जाना है या ड्यूटी से वापस आ रहा है, आदमी 7 बजे 6 बजे छूटा तो 9 बजे घर पे पहुंचता है। ये सब सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे एक अहम सा मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग रहते तो वो भी इस समस्या को नहीं देखते, जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के? कोई जिम्मेदारी कोई कहाँ निभा रहा है। अगर जिम्मेदारी निभाते या ग्राम पंचायत के लोग या प्रधान लोग जो भी है वो अगर निभाते तो आज ये कंडीशन होती ही नहीं। और इसका कुछ मेन ये समझ लीजिए कि 20% से ये मेट्रो को भी जा रहा है। 20% मेट्रो का काम तो जो चल रहा है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अभी जो गटर भरी है तो उसका मेट्रो से कुछ लेना देना नहीं है। गटर जो अपनी यहाँ की भरी हुई है, गटर की साफ सफाई तो सालों से हुई नहीं है, जो भी है यहाँ के सालों से साफ सफाई हुई नहीं है, इसके वजह से पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। फिर उसके ऊपर जहाँ गटर है वहाँ बिल्डिंगें भी बना दी जा रही हैं, पानी निकल नहीं पा रहा है। यही सब सारी समस्याएं हैं अपने पास, हर आदमी जीवन में डेली के लिए बहुत मतलब प्लानिंग से काम नहीं हो रहा, प्लानिंग से काम नहीं हो पा रहा।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमारा ये सफ़र था और हमने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की। लोगों का भी ये कहना है कि सरकार अपना राजकारण अपनी तरफ रखे, लेकिन पब्लिक को जो है जनता को क्यों तकलीफ दे रही है। और हम भी यही चाहते हैं, हमारा भी यही कहना है कि जो काम हो रहा है वो काम होते रहे, साथ साथ में जो रोड है जो थोड़ा बहुत, तो भी रात के वक्त हो गया अगर इस टाइम पे जो ट्रैफिक काफ़ी हैवी रहता है तो रात के वक्त में अगर खाली रहता है तो थोड़ा बहुत गड्ढे भर दिया जाए, थोड़ा बहुत लोगों को सुविधा दी जाए, क्योंकि पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक है तो सरकार है, पब्लिक नहीं रहेगी तो सरकार नहीं रहेगी। ये बातें जो है लोगों को समझ में नहीं आती, आज एक डिक्टेटरशिप नज़र आती है यहाँ पे। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जो भिवंडी शहर है, तो भिवंडी शहर इस कदर जो है हम कहेंगे कि एक काला पानी की जो सज़ा होती है वैसे एरिया में जा पहुँचा है, क्योंकि कोई भी एंट्री या एग्जिट बोलो भिवंडी की, भिवंडी के लिए अगर आना है या भिवंडी से बाहर निकलना है इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी भी आप एग्जिट या एंट्री ले लो भिवंडी की, चाहे फिर वो साई बाबा मार्ग से थाना जाना हो, इस रोड से कशेली से जाना हो, या आपको वसई रोड से जाना हो, बाड़ा रोड से जाना हो, कहीं पे भी एक भी अगर आप भिवंडी का एंट्री या एग्जिट पॉइंट बता दो कि वो सही है और आदमी आसानी से जो है निकल जाए तो ये नहीं मुश्किल, ये नहीं मुमकिन है बिल्कुल भी। जो है लोगों को रोज़ का रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है, रोज़ इतने खड्डे और इतनी ट्रैफिक रहती है कि लोग कंटाल चुके हैं। और आज की तारीख, आज का जो हम ये कहेंगे कि आज का ये माहौल है कि लोग भिवंडी के नाम से कतराते हैं, लोग भिवंडी के नाम से कांपते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भिवंडी के लोगों को भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, मैं फिरोज मेमन, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ में और एक अच्छी न्यूज़ लेके आएंगे और एक अच्छे रिपोर्टिंग, एक अच्छी कहानी लेके आएंगे, स्टोरी लेके आएंगे। हमारे साथ ऐसे बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।